jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। एक्टर, कॉमेडियन और डायरेक्टर नीरज वोरा का निधन हो गया है। करीब 13 महीने तक कोमा में रहे नीरज ने गुरुवार सुबह करीब 4 बजे मुंबई के कृति केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। नीरज पहले ही अपने लगभग पूरे परिवार को खो चुके थे। 2005 में उनके पिता की डेथ हुई, उनकी पत्नी की भी मौत पहले ही हो चुकी थी। 3 साल पहले उनकी माँ का निधन हो गया। बता दें कि नीरज की कोई संतान नहीं है। हाँ, उनका एक छोटा भाई जरूर है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। नीरज को अक्टूबर 2016 में ब्रेन स्टॉक आया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली के AIIMS में भर्ती कराया गया था। इसी साल मार्च में उनके दोस्त प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला उन्हें मुंबई ले आए थे और उनका ख्याल रख रहे थे। नीरज की देखभाल में कोई कमी न हो, इसके लिए उन्होंने जुहू स्थित अपने घर बरकत विला के एक रूम को ही ICU में कन्वर्ट करा दिया था। आखिरी वक्त में नीरज जिस कमरे में रहते थे उसे उनकी फेमस फिल्मों रंगीला, विरासत, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, गोलमाल, दौड़ और खिलाड़ी 420 के पोस्टर्स से सजाया गया था। कमरे में टेलीविजन भी था जिसमें उनकी फेवरेट फिल्मों को दिखाया जाता था।